हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आबरा और होमलिशियस बाइट बाय आबरा में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूं व्रत में बनने वाली मटर, जिसे आप नवरात्र में या किसी भी उपवास में बना सकते हैं। ये मटर आप पहले से बनाकर रख सकते हैं, एकदम क्रिस्पी मटर बनती है। तो रेसिपी देख लेते हैं। व्रत की मटर बनाने के लिए यहाँ हमने 1 कप साबूदाना, 1 कप सिंगाड़ी का आटा, 1 कप चावल का आटा और 4 मीडियम साइज के आलू लिए, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक व्रत का, अजवाइन और जीरा। अब हम आटे को मांडते हैं। साबूदाना, समा के चावल का आटा, सिंगाड़ी का आटा, कुटी हुई काली मिर्च, नमक, ये जीरा और अजवाइन को थोड़ा सा हम हाथ से क्रश कर लेंगे। हरा धनिया, थोड़ा सा मोमन, मटरी खस्ता बनने के लिए डालेंगे आलू। पहले हम आलू से ही आटा गूंथेंगे। आलू में मॉइस्चर बहुत होता है, इसीलिए पहले आलू से ही हम आटा गूंथेंगे। देखिए, यहाँ अभी आटा हमारा खिला खिला हो रहा है, तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके इस प्रकार हम पानी ऐड करेंगे, जिससे पानी हमारा ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि आटा हमें यहाँ टाइट ही मांडना है। यहाँ लगभग पानी मैंने 4 से 5 चम्मच ऐड किया है। देखिए, अब हमारा आटा स्मूथ हो गया। इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही भिगोकर छोड़ देंगे। इसको इकट्ठा करके इसको ढक देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए, आटे को हमें थोड़ा सा अभी और स्मूथ करना है। यहाँ हमने जो ये थोड़ा सा घी रोका था, इसको इसमें लगाकर आटे को अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। देखिए, एक हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसकी मैं आपको लोइयां बनाकर दिखाती हूँ। लोइयां आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी बना सकते हैं। मेरे यहाँ तो छोटी छोटी खाई जाती हैं, तो इसीलिए मैं छोटी छोटी मटरियां ही बनाऊंगी। देखिए, इसी प्रकार सारी लोई तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने सारी लोइयां बना ली हैं। अब मटरियों को बेल लेते हैं और घी को गर्म होने रख देते हैं। चकले को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, इसके ऊपर लोई रखेंगे। अब फ्लैट प्लेट की सहायता से प्रेस करके इस प्रकार हम मटरियां बनाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने मटरियों में आलू डाला है, तो आलू डालने से मटरियां टूटती हैं, इसलिए हम फ्लैट प्लेट से इस प्रकार दबा दबा कर मटरियां तैयार करेंगे। देखिए, एकदम आसानी से हम इसी तरीके से इसको निकालेंगे। देखिए ऐसे, अब हम इसमें मटरियों को डाल देंगे। जितनी मटरी आपके कढ़ाई में आ जाए, आप उतनी मटरी डाल दीजिए। अब इनको पलट देते हैं। इन्हें तुरंत नहीं पलटना है आपको, जब हल्की सी सिक जाए जब आप इन्हें पलटें, वरना ये टूट जाएंगे। अब आप व्रत में भी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाकर खा सकते हैं। इन्हें आप नवरात्रों में पहले से बनाकर रख लीजिए और पूरे नवरात्रों में आराम से खाइए। ये मटरियां क्योंकि हमारी भरवा मटरियां हैं, तो मोटी हैं, इसीलिए इन्हें हम बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। देखिए, मटरी हमारी सिक गई है। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। प्लेट में यहाँ मैंने टिश्यू लगा लिया है, जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पर आ जाए। देखिए, कितनी बढ़िया मटरी बनी है। यहाँ पर मैंने साबूदाना यूज किया था, इसीलिए साबूदाने से एकदम देखने में भी खूबसूरत लग रही हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, टेस्टी मटरी बनकर तैयार है। आप भी इस नवरात्रि में जरूर ये रेसिपी ट्राई करें और सभी को खिलाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।